गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ राम हेमब्रम जमशेदपुर से, और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का स्प्रेडशीट के बारे में। एकदम बेसिक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। आज स्टार्टिंग क्लास है, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको सबसे पहले स्टार्ट में जाना है। अगर आपको निकालना नहीं आता है आप इसका निकाल सकते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं सर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखने लग जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। यहाँ पर देखिए 2007 वर्जन है ये। जी है आपका वो स्प्रेडशीट जो पेज है उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है एक्सेल का। ये शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट 2 है, ये शीट 3 है। यहाँ पर क्लिक करें तो और भी आ जाएगा, शीट 4 आ गया, यहाँ अनलिमिटेड आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ 100 ही आ गया, 1000 ही आएगा, आपका कंप्यूटर में जितना मेमोरी है उतना पेज यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एक ही शीट में लाखों और लाखों कॉलम्स है, तो इसमें आपका इतना सारा काम हो सकता है एक ही शीट में, तो इतना सारा शीट बनाने का आपका जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। और बताइए यहाँ जानते हैं ये क्या है। यहाँ देखिए ये जो है ये कॉलम है, यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं, देख लीजिए ये कॉलम है, ए कॉलम हो गया, ये आपका बी कॉलम है, ये आपका सी कॉलम है, ठीक है। इस तरह से जो लकीर है सब ये ई कॉलम है, तो कॉलम कहा जाता है, और ये जानना बहुत ही जरूरी है ये जे कॉलम है। और यहाँ कई सारे रो भी है, और इसको रो कहा जाता है, ये एक नंबर रो है, ये दो नंबर रो है, जैसे कि ये हो गया आपका दो नंबर रो है, ये रो है आपका, ये पांच नंबर रो है, ये ठीक है, ये आपका सॉरी ये आपका दस नंबर रो हो गया, ठीक है। इस तरह से ये रो के लिए इंडिकेट किया गया है, और जो 1, 2, 3 ऊपर करके ये लाखों तक, इसको नीचे करने जाइएगा लाखों आपको मिलेगा, ठीक है। ये रो है, और जो कॉलम है ये ABCD से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और जितना भी छोटा छोटा बॉक्स आपको दिख रहा होगा वो बॉक्स को कहा जाता है सेल। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करूँ, देखिएगा मैंने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, ये कौन सा कॉलम में है, ये के कॉलम में है, ठीक है। यहाँ देखिए के कॉलम में, और ये है रो 7 नंबर रो में है, 7 नंबर रो में है, तो इस सेल का नाम होगा K7। उसी तरह से और एक सेल मानो क्लिक करते हैं, ये देखिए ये सेल, इस सेल का नाम क्या है, आई है यहाँ पर आई कॉलम, और रो कौन सा है 12 है, तो इसका नाम होगा I12। इस तरह से इसका नाम क्या होगा G6 होगा, इसका नाम क्या होगा O4 होगा, इसका नाम क्या होगा I18 होगा, इसका नाम क्या होगा C4 होगा। इसका नाम क्या होगा Q5 होगा, इसका नाम क्या होगा K15 होगा। तो आपको सेल का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एक्सेल में अपना यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो फॉर्मूला आप इनपुट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सेल का नाम पता नहीं होगा तो आप फॉर्मूला इनपुट नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये जानकारी रखना होगा, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेल का नाम क्या है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बार है, यहाँ जहाँ FX लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बार है, कुछ भी यहाँ पर आप लिखेंगे यहाँ पर अपने आप दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल। आगे का क्लास हम और भी करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाता हूँ, ताकि जो भी यहाँ पर दर्शक आते हैं व्यूअर आते हैं उन्हें बोरिंग ना लगे। मैं 2-4 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये क्लास हम लोग यहीं तक करेंगे आज। और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर से हाजिर होंगे, ये हम काफ़ी समय के बाद हम हाजिर हुए हैं, इसका अभी रेगुलर हम अपडेट करते रहेंगे, इसलिए जो भी सब्सक्राइब वीडियो नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और घर पर बैठे बैठे आप एक्सेल के बारे में बहुत सारा चीज जान पाएंगे, जो आप नहीं जानते वो भी जान पाएंगे। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारा कंपनी में, कई सारे कंपनी में यूज किया जाता है, डेटा एंट्री के रूप में यूज किया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है, कई सारे कंपनी ऐसा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे काम में भी आता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं समाधान करने का जरूर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द।
आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।